रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्या जानी है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की प्रतिभागी केंदा सोनकर ने बताया कि गेड़ी दौड़ और लंबी कूद में प्रथम आई है। फुगड़ी, गिल्ली डंडा और बांटी भी खेली है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कई सालों बाद पारंपरिक खेल खेलने का मौका मिला था। वहीं स्कूली शिक्षिका ने बताया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेलों से उसे अपना बचपन याद आया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा से लाभान्वित तुषार ठाकुर ने बताया कि पहले जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन अब किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा धनेश्वरी रात्रे ने बताया कि उनका समूह गौठान से जुड़कर कई प्रकार के उत्पाद बनाता है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से लाभान्वित शारदा मरकाम ने बताया कि उसके 3 साल के बेटे को इस योजना का बहुत लाभ मिला है। जय जय लक्ष्मी।
प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ सर, और फर्स्ट टाइम सर मुझे ऐसा लगा जैसे हम लोग बचपन में जो गेम खेलते थे, इतने साल सर हम लोग घूम गए थे कभी छत्तीसगढ़ गेम, खेड़ी वगैरह हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब देखा कि कभी पहले ऐसे गेम्स हुए ही नहीं, और का हमेशा फुटबॉल और बड़े बड़े गेम्स होते थे, फर्स्ट टाइम खेड़ी बिल्ला उगड़ी उगड़ी हम लोग तो सब इतना घूम चुके थे, लेकिन जब ये गेम्स आए तो सबको अपना बचपन याद आ गया, मतलब पहली बार मतलब अच्छा लगा। बच्चे कितने सर? मेरी दो बेटियाँ हैं, दोनों के पी सरोना स्कूल में पढ़ती है। ये सर हमें बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली सारे स्कूल से आए थे बच्चे, अभी ओलंपिक हुआ तो सारी स्कूल की के पी से सारे ब्रांच से बच्चे वगैरह आए थे, सबने पार्टिसिपेट किया था और बहुत इंजॉय किए बच्चे लोगों। शादी पहले खेलती थी वो खेल नहीं मिला था। हाँ सर, हम लोग मतलब स्पोर्ट्स से बिल्कुल अलग हो चुके थे, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम स्कूल के बच्चों को जब लेकर आए और साथ में सबका हुआ तो हम लोगों ने